वेल माई डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज हिस्ट्री ऑफ लेबर पॉलिसी इन पाकिस्तान पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन और जो लेबर लॉज थे पाकिस्तान ने वो अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट से इनहेरिट किए पाकिस्तान इससे पहले इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था तो वहाँ जो लेजिस्लेशन विद रिगार्ड टू लेबर लॉ थी उसको पाकिस्तान ने वहाँ से इनहेरिट किया इसके बाद जो लेबर लॉज हैं वो ट्रायल एंड एरर के सिस्टम के तहत डेवलप होते गए एवोल्यूट करते गए और अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान डवेल्प होते गए और लोगों को अकोमोडेट करते गए पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट भी एवोल्यूशन से गुजरी पॉपुलेशन भी एवोल्यूशन से गुजरी लेबर फोर्स एक्सप्लोजन भी रहा ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनजम भी रहा लेवल ऑफ लिटरेसी इंक्रीज हुआ और माईडियर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स आती रही उनकी कमिटमेंट रही सोशल वेलफेयर और लेबर की वेलफेयर के साथ इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के सोशल वेलफेयर हो बेहतरी हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वक्तन फ़ोक्तन बहुत सारी लेबर पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई पॉलिसी क्या होती है पॉलिसी ये होती है कि ये ये अब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इनको अचीव करने के लिए ये ये काम हम करेंगे पॉलिसी इज नॉट अ लॉ माय डियर स्टूडेंट्स पुराने वक्तों में जो लेबर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्क्रंट लिस्ट है कॉन्क्रंट लेजिस्लेटिव लिस्ट उसका सब्जेक्ट कि लेबर के मुताल लेजिस्लेशन कौन कर सकता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है दोनों कर सकती लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ताबे रहते हुए ही कोई रूल्स वगैरह बना सकती है प्राइमरी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती ये पुराने वक्तों की बात है लेकिन आफ्टर एटीन अमेंडमेंट तमाम जो पावर्स हैं लेजिस्लेशन लेबर लॉज के मुतल हैं कि वो प्रोविंसेस को दी गई हैं लेकिन पुराने वक्तों में यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो लॉज बनाती थी माइड स्टूडेंट्स आजकल जो टोटल लेबर फोर्स ऑफ पाकिस्तान है वो अप्रॉक्सीमेटली 37.15 मिलियन पीपल है और इसके साथ इसमें फोर्टी सेवन परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है टेन पॉइंट फिफ्टी परसेंट वो मैन्युफैक्चरिंग ऑन माइनिंग सेक्टर से है और माय डियर स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है दैट इज फोर्टी टू पॉइंट फिफ्टी परसेंट वो के दूसरे प्रोफेशन से है पाकिस्तान के वजूद के आने से अब तक पांच लेबर पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं पहली लेबर पॉलिसी जो है 1955 में है दूसरी 1959 में तीसरी 1969 और फोर्थ वन 1972 एंड द फिफ्थ वन इन 2002 एंड अब जो है प्रोमिस ने नई लेबर पॉलिसीज जो है इशू की हैं वो के 2018 में की दीज पॉलिसीज बेसिकली लेड डाउन द पैरामीटर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म The protection of workers' rights, the settlement of industrial disputes, and redressal of workers' grievances after 2002, my dear students. In 2018, labor policies have been introduced by the respective provinces. Hope you have understood the topic. Thank you very much.